एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, हम देखते हैं कि कोमाराम भीम की शादी सोमबाई नाम की एक औरत से हो जाती है, जिसके बाद भीम सोमबाई के साथ भावेजारी जाकर बस जाते हैं और वहां पर एक छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती कर गुजर बसर करने लगता है। जब भीम के द्वारा उगाई हुई फसल काटने के लिए रेडी हो जाती है ना, तो फिर उसको ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स काफी परेशान करने लग जाते हैं। वो ऑफिसर्स जबरदस्ती भीम को ये जगह छोड़ कर जाने के लिए कहते हैं। वो हिमबारा पारंपरिक डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स की एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें डिसाइड होता है कि वो लोग अपनी और अपनी जमीनों की सुरक्षा के लिए एक गोरिल्ला आर्मी को बनाएंगे। उस मीठे थे भीम ने अपनी एक आर्मी बनाकर भावेजरी और जोड़े घाट के जमींदारों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद वहाँ के निजाम इन हमलों को रोकने के लिए ना अपने एक ऑफिसर को आसिफाबाद भेज देते हैं। वो ऑफिसर भीम से मिलता है और उन्हें एक ऑफर भी देता है। वो ऑफिसर भीम को इन हमलों को बंद करने के बदले गोंद आदिवासियों को जमीन अनुदान में देने का वादा करता है। भीम उसका ये ऑफर जो है वो ठुकरा देता है और उसे अपनी डिमांड बताता है। भीम की डिमांड होती है कि पूरे गोंद एरिया पर सिर्फ गोंद आदिवासियों का ही अधिकार। भीम की आर्मी में 300 लोग थे जो गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में ना माहिर थे। इसी दौरान भीम ने जल जंगल जमीन का नारा दिया था। गोंद ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने और मारने की कई बार कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन वो हर बार नाकाम साबित होती। वो कलेक्टर कई सारे हथियार बंद पुलिस वालों को लेकर भीम के ठिकाने पर छापा मार देता है। इस छापे में ना भीम इनकाउंटर में मारा जाता है। उनके साथ 15 और लोग भी इस इनकाउंटर में मारे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।